हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ममअर्थ के एक और न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट है उबटन ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। दोस्तों, इसके लॉन्च का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। जब ममअर्थ ने विटामिन सी एंटी ट्री मॉइस्चराइजर लॉन्च किया, तब मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब उबटन मॉइस्चराइजर लॉन्च होगा, और फाइनली जब ये लॉन्च हुआ तो मैंने इसको परचेज किया। सो आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस मॉइस्चराइजर को यूज करते हुए मुझे मोर देन 10 डेज हो चुके हैं दोस्तों, और ये जो मॉइस्चराइजर है इसकी पैकेजिंग दूसरे मॉइस्चराइजर के जैसी ही है। इसका प्राइस भी है 299 रुपीज, जिसमें आपको 80 ग्राम क्वान्टिटी के साथ 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। और फ्रेंड्स, ममअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं पैराबिन सिलिकन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। सो ये भी पैराबिन एंड सिलिकन फ्री है, और लाइटवेट फॉर्मूला है इसका, और सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, और बोथ मैन एंड वेमेन जिनकी एज 15 इयर्स या उससे अबव है इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजर आता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, और ये क्लेम करता है कि ये आपको नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन देता है, और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सापल बना देता है, और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। जो चलिए सबसे पहले हम इसका टेक्सचर देख लेते हैं। सो ये यहाँ से ओपन होता है, और इसका जो टेक्सचर है वो जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है, क्रीमी है, और ये ऑफ वाइट कलर का आता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा माइल्ड है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी है, और ये स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है। और फ्रेंड्स, अप्लाई करने के बाद ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होती है इसको अप्लाई करने के बाद। इस मॉइस्चराइजर के मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक एंड सैफ्रन। टर्मरिक हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, हेल्दी बनाता है, और इसमें सैफ्रन है, सैफ्रन हमारी स्किन को सूथ करता है और स्किन को रेडिएंट बनाता है। इसके साथ ही इसमें है सोयाबीन ऑयल, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है। फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं आपको इसको फेस पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, और फिर बात करते हैं कि क्या ये जो क्लेम करता है उन पर खरा उतरता है। फ्रेंड्स, ममअर्थ उबटन ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन केयर रूटीन के लास्ट स्टेप में अप्लाई करना है, और आप चाहे तो इसे फेस वॉश करके टोनर अप्लाई करने के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और उसके बाद अपने फेस पर ऐसे डॉट डॉट बना लेने हैं, और फिर आपको ऐसे अपने फिंगर्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होती है, और आपकी स्किन में ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और फेस के साथ साथ आपको इसे अपने नेक पर भी अप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं कि ये स्किन में कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, और स्किन बिल्कुल भी चिपचिप या ऑयली फील नहीं होती है इसको अप्लाई करने के बाद। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, 4 घंटे 5 घंटे, फिर भी स्किन बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होती है। सो अभी आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ सपल लग रही है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती इसको अप्लाई करने के बाद, और ना ही चिपचिप या ऑयली फील होती है, और स्किन पर एक हेल्दी सा ग्लो आ जाता है, जैसा कि अभी आप मेरे फेस पर देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ सापल लग रही है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से आपको ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रही थी इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद। फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजर जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, इसका जो टेक्सचर है वो मुझे अच्छा लगा, और जितनी टाइम ये स्किन में एब्जॉर्ब होने में लेता है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, और अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगती है, बहुत ज़्यादा सपल हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद, और स्किन पर ग्लो आ जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद। सो फर्स्ट ये क्लेम करता है कि ये नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन देता है। सो यस, इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो स्किन बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं करती है, और अप्लाई करने के बाद चाहे आपको 6 घंटे हो जाते हैं, चाहे 7 घंटे हो जाते हैं, दिन भर आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील भी नहीं होती है, और ना ही आपकी स्किन आपको चिपचिप फील होगी कि हाँ ऑयली फील होती है, बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होती है मुझे मेरी स्किन इसको अप्लाई करने के बाद। मैं इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होती है मेरी स्किन। नेक्स्ट
कीप स्किन सॉफ्ट एंड सापल, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। जब आप टच करके देखते हैं ना तो स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगती है। सो ये इस मॉइस्चराइजर की मुझे और भी ज़्यादा अच्छी बात लगी, गिव्स ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देता है। यस, फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, बट यस आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि स्किन पर हेल्दी सा ग्लो आ जाता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगती है इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद। और फ्रेंड्स बहुत ही लाइट वेट है, सो आपको स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है कि कोई मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। और आप इसे मेकअप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप अप्लाई करने से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप विदाउट मेकअप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है और बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है। और डे एंड नाइट आपने डे में यूज़ किया है और नाइट होने तक भी ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाता है कि स्किन पर ऑयली फील होता है और स्किन फिर आपकी डल लगने लग जाती है, ब्लैक ब्लैक लगती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होगी। और लंबे टाइम तक आपने अगर इसे मॉर्निंग में यूज़ कर लिया तो जब तक आप नाइट में इसको यूज़ नहीं करते फेस वॉश करने के बाद, तब तक स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है। सो ममर्थ का ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सो अगर आप भी इस मॉइस्चराइजर का वेट कर रहे थे तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ये सभी टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होने देगा, बिल्कुल भी आपको स्टिकी फील नहीं होगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये सभी टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। फ्रेंड्स ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इसके रिजल्ट मुझे फर्स्ट डे से ही पसंद आए हैं, और मैं इसको इसका रिव्यू बहुत पहले ही करने का सोच रही थी बट नहीं हो पा रहा था, फाइनली आज ही रिव्यू हो गया है। सो इन माई ओपिनियन आपको इसे एक ट्राई जरूर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसको परचेज करें नहीं करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे फटाफट से परचेज कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे इसको परचेज करने के बाद, और इसके जो रिजल्ट है उससे आप भी मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, एक ट्राई देना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।